ओके गाइस हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। ओके लेंस, लेंस क्या होता है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है मेड अप ऑफ टू सर्फेसेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ टू सर्फेसेस इज लेंस, ठीक है। उसमें एक सर्फेस जो है हमारा वो कैसा होता है? स्फेरिकल और कर्व सर्फेस। ओके, तो अगर हम देखें तो लेंस किस किस तरीके का हो सकता है? बेसिकली एजुअल लेंस हम लोग यहाँ पर दो टाइप का लेंस हम लोग देखेंगे। वन इज कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग देख लेते हैं। इफ अगर ऐसा लेंस है तो इसको हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? बायो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर ये अगर दोनों सेम हो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर हो और ये आर, दोनों सेम हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का सेम हो, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ठीक है। इफ एक सरफेस हमारा कर्व है और दूसरा स्ट्रेट प्लेन, इसको हम लोग कौन सा कहते हैं? कौन सा? प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगर हमारा कुछ इस तरीके का हो लेंस, कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस क्या होगा? पर जो ध्यान देने की बात ये है कि अगर हम लोग ये जो हमारा क्या हो जाएगा, किस तरह का लेंस हो जाएगा? बायो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ओके, बायो कॉनकेव लेंस, ठीक है। बायो कॉन्केव के मतलब दोनों साइड से हमारा। उसी तरीके से अगर हमारा ये आर दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको? इक्वी कॉनकेव लेंस। और अगर लेंस हमारा ऐसा हो, ठीक है, वन सरफेस इज कर्व अनदर वन इज प्लेन, प्लानो कॉनकेव लेंस। ओके, अगर ये इस तरह का हो तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव लेंस। ओके, अगर हम लोग पहचाने कैसे? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, पहचाने कैसे? व्हाट वुड बी द मेथड ऑफ? सिंपल, अगर भाषा में बात करें, इसका पेट निकला हुआ है, इसका पेट अंदर है, ठीक है। किसका पेट निकला हुआ है? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स का पेट निकला हुआ है और कॉनकेव का पेट अंदर, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो आउटर साइड इज, अगर मतलब सेंटर जो है, सेंटर पार्ट क्या है? ये यहाँ पर स्क्वीज दिख रहा है, यहाँ पर थिन है, यहाँ पर, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको ध्यान रख ले। ओके, तो हम लोग इसको पहचान पाएंगे, ठीक है। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? लेंस इज अ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका वन ऑफ द सरफेस क्या होता है? कर्व होगा, मिनिमम वन ऑफ द सरफेस कर्व होगा, दो सरफेस होना कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। और एक सरफेस हमारा क्या होता है? कर्व होता है। हमने बस कितने कर लिया, सभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? मोड़ा पेट निकला हुआ, कॉन्वेक्स पेट अंदर, ठीक है। हम लोग थोड़ा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं लेंसेस का। अगर ये हमारा कैसा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस,
कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ये हमारा लेंस कैसा है कॉनकेव, ठीक है, ये अगर हमारा कॉनकेव है दिस इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे पोल कहते हैं, नहीं ओके, ये हमारा इस साइड एक फोकस बनेगा इसके लिए, इस सरफेस के लिए ओके, इसको हम लोग लिख लें एफ वन, ठीक है, और ये हमारा इसके लिए क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कितने डिस्टेंस पे होता है टू एफ वन के, कहीं कहीं आपको सी वन मिलेगा, सो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ टू, दिस इज गोइंग टू बी सी टू और टू एफ टू, ठीक है, ये तो हमारा डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द फोकल डिस्टेंस, वी कैन डिनोट इट एज एन एफ वन, इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे आर वन, इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे एफ वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी आर टू, नाउ दिस इज एफ टू, ओके दिस इज आर टू, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आप समझ गए होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सारा रूल्स इसमें मिरर का फॉलो होने वाला है, ठीक है, मींस कौन सा साइन का मेंशन करूं जो मिरर में हम लोगों ने देखा था वही होगा, जो लाइट के डायरेक्शन में जो होगा इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंस के इंसिडेंट रे के अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, ओके अकॉर्डिंगली वी विल टेक द साइन का मेंशन, सेम इसके लिए भी होगा, ठीक है, और इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ रेज अगर हमारा पैरेलल आ रहा है तो इट विल मीट दैट सेंटर, ठीक है, तो ये हमारा कैसा लेंस हो गया, ये हम लोग देख रहे थे कॉन्वेक्स लेंस को, और ये हमारा कैसा है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें ये क्या करेगा इट विल डाइवर्स कर जाएगा, ओके, और यहां पर हमको कितने लेंस का फोकस नहीं रहेगा, तो ये हमारा कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस, और ये कैसा है डाइवर्जिंग लेंस, ओके, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा जिन्हें क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the lens formula. Mirror formula हमारे क्या था? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ठीक है? और ये हमारा lens formula क्या हो गया? 1 by f, 1 by v minus 1 by u. ध्यान देने वाली एक बात ये है, जो भी image formation की चीजों हम लोगों ने देखा था, वो हम लोगों ने किसके लिए दिया था? Concave mirror के लिए देखा था, convex mirror के लिए देखा था. तो इस केस में जो रूल्स हमारा जो था जहां पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा था तो कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारा किस पे लागू होगा कॉन्वेक्स लेंस पे, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो था वो इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए मतलब कंडीशन लग जाएगा, ठीक है, तो ये सारा बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपने ध्यान में रखा था, नाउ वी शुड प्रोसीड फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था इमेज फॉर्मेशन, हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था रेयर टू डेंसर, ऑब्जेक्ट अगर रेयर में या डेंसर से देख रहे हैं तो क्या होगा डेंसर टू रेयर, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली ये लेंस जो ऑप्टिकल शॉप वाले होते हैं नहीं चश्मा वगैरह जो लोग बनवाते हैं पुराने करते हैं ऑप्टिक्स के पास, तो वो लोग क्या करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि इतना पावर का हमें चश्मा बना के देते हैं, ठीक है, हम लोग उसको साथ में बताते हैं माइनस प्लस जो भी हमारा भी प्रॉब्लम होता है आईज में अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उनको बताते हैं भाई ये माइनस साइन का हमारा इतना चश्मा बना दो प्लस का इतना बना दो, ठीक है, मतलब माइनस मतलब क्या कॉनकेव और प्लस अगर हम लोग ले रहे हैं तो कॉन्वेक्स, तो ये चश्मा आप उनको बना के दे दो, तो वो चश्मा बनाने के लिए वो क्या करता है, तो उस
उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन है, उस फॉर्मूला को वो फॉलो करता है। मतलब एक्चुअली आज के डेट में चश्मा कैसे बनता है, डाइस रहता है, डाइस के पास उनके पास रेडी रहता है और हर एक डाइस का वो फोकल लेंथ होता है। वो क्या करते हैं, उस डाइस में डाल देते हैं और डालने के बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली वो मेजर करके वो निकाल लेते हैं, बना लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बन गया चश्मा, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडी रहता है। बट वो जो फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं, वो फॉर्मूला होता है 1 by f = μ - 1 / r₁ - 1 / r₂। ओके, ये हमारा वेल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लेंस है, हम लोग उसको यहाँ पर बायोकॉन के लेंस ले लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब आपको ध्यान होगा यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे गया, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे गया तो अब ये क्या करेगा, इट विल रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्ट करेगा ड्यू टू दिस सरफेस। कहां से रिफ्रैक्ट करेगा, नॉर्मल से, ठीक है। इसको नॉर्मल हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोगों ने समझा था इसको, नॉर्मल जब भी लेंगे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, अगर हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यहां से हम उस नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। अब ये क्या करेगा, इट विल गोस टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेंस से पूछिए, अगर ये हमारा म्यू वन है, ये हमारा म्यू टू है, ये हमारा म्यू वन, ये हमारा म्यू टू, एंड ये हमारा वन सेकेंड म्यू वन, ठीक है, ये हमारा लेंस से पूछिए। अब क्या होगा, यहाँ एक कर्व सरफेस के चलते क्या हुआ, एक रिफ्लेक्शन हुआ, एंड दैट रिफ्लेक्शन दिस इज द रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन फॉर दिस सरफेस। अब इस सरफेस के लिए वंस अगेन इट विल रिफ्लेक्ट, इसके लिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसका हम लोग लेंगे, ओके, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग यहां पर इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है ये इसके लिए, अब ये नॉर्मल अब क्या करेगा, इट विल गोस टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन अंडर दिस सिचुएशन, क्या करेगा, ये तो हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एब्सोल्युटली। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा अवे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से क्या करेगा, अवे जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अवे मान लें, ये कुछ इधर चला जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है, इमेज मतलब यहां पर फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इमेज, ये सरफेस नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये बेंड नहीं करता और इमेज कहीं यहां पर जाके फॉर्म करता, ठीक। अगर ये सरफेस नहीं होता, जो सेकंड सरफेस हमारा है वो सरफेस बेंड कर दे रहा है और यहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो इमेज कहीं यहां पर जाके फॉर्म होता, दैट इज अ टाइलेस, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हमारा क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिखते थे, ये अगर सेंटर से हमारा डिस्टेंस है तो इसको हम लोग आर वन लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, ये डिस्टेंस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसको हम लोग आर टू लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर हम फोकस होगा, एक्चुअली हमने थोड़ा ज्यादा बेंड कर लिया है, अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम जो है थोड़ा सा रेट को ज्यादा ऐसा, यहाँ पर कहीं इमेज बन रहा है इसका, यहाँ पर कहीं इसका फोकस है, ये हमारा एफ वन, और इसका अगर कहीं फोकस है तो ये हमारा एफ टू, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो देखते इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इमेज हमारा कहां बन रहा है,
यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है, व्हाट वी कैन टेक वी ठीक है, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अभी आपने पिछले पहले आपने क्या निकाल रखा है, एक फॉर्मूला ड्रॉ कर रखा है, निकाल रखा है आपने किसके लिए निकाल रखा है, स्फीयर के लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए आपने फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर टू डेंसर में जा रहा है, रेयर टू डेंसर को क्या फॉर्मूला दिया है, म्यू वन बाई यू प्लस क्या था, म्यू टू बाई बी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन, कोई दिक्कत, या आप लिखते हैं बाद में लोग आर वन टू प्लेस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला था, ये किसके लिए था, अगर ये रियर टू डेंसर जा रहा, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर डेंसर टू रियर जाएगा तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बन रहा था, अगर हम उसकी यहां पर थोड़ा सा कर दें तो म्यू टू बाय यू प्लस म्यू वन बाय वी, इसको हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते रहते हैं म्यू को, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला दो बन रहा था, ठीक है। अगर हम पहला फॉर्मूला, अगर हम पहला कंडीशन लें तो इस सरफेस के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है रेयर टू डेंसर, ओके, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो हम लोग इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं, करना शुरू करते हैं म्यू वन नॉमेनक्लेचर एक करते हैं, ये अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये प्रिसीजन ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर हमने ऑब्जेक्ट को ये ले लिया है, ये सी वन सी टू, इसको हम लोग एल मान लें कोई दिक्कत, इसको हम लोग एम मान लेते हैं इस पोजीशन को, कोई दिक्कत, ठीक है, हम लोग करने में आसान हो जाएगा, म्यू वन इज इक्वल टू यू वन, यू वन ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओ एल लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें, वी आर कंसीडरिंग दिस इज एन थिन लेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस इतनी है कि अगर ये हमारा एम है, इसको हम एम मान लें इस पॉइंट को, तो वी कैन राइट ओ एम मस्ट बी इक्वल टू, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ओ एल के, नहीं छोटे डिस्टेंस होने की वजह से, ठीक है, इस चीज को हम नेगलिजिबल मान रहे हैं ना, प्लस म्यू टू, म्यू टू दिस इज म्यू टू डिवाइडेड बाय वी, वी हमारा क्या है, दिस वी, ओके, दिस इज द वी, वी को हम लोग क्या मान सकते हैं एल आई, कोई दिक्कत, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, इसके लिए हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द आर वन, आर की जगह हम लोग आर वन प्लेस करेंगे इस सरफेस के लिए, करेंगे हम लोग आर वन लिख दिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग इस इक्वेशन से देखें, इसमें भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई यू, यू हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, लिख सकते हैं प्लस म्यू वन डिवाइडेड बाय वी, एक चीज यहां पर हम लोग को ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, यहां पर जो हम लोग म्यू टू ले रहे हैं, म्यू टू डिवाइडेड बाय यू, यहां पर जो यू है ये इस सरफेस के लिए, ये यहां पर वो कह रहा है कि ये अगर सरफेस हमारा यहां पर आई पे जाके इमेज बना रहा है, अगर ये आई पे मूव नहीं होता तो ये इमेज कहां बनाता, आई डैश पे, तो ये जो आई डैश है, ये आई डैश इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, ये आई डैश एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा इसके लिए, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर अगर हम लोग इसको देखें तो इसके लिए अगर हम लोग यू लेना हो तो ये ले सकते हैं, वो आई डैश मतलब एल आई डैश अगर होगा
है म्यू वन बाय वी, वी हमारा क्या होगा आर, आर मतलब ये डिस्टेंस हमारा वी हो रहा है तो एल आई ले सकते हैं एल आई ठीक है ये अगर हमारा वी डिस्टेंस है तो इसको हम लोग एल आई मान लेते हैं एल आई ले सकते हैं इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई अब इस स्क्वायर के लिए आर हमारा क्या होगा दिस आर आर टू इस साइड ये हमारा एक स्क्वायर था तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा डिस्टेंस होगा ये आर टू है हमारा और ये इस साइड के लिए होगा इस सरफेस के लिए होगा और यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं आर ठीक है अब इसमें हम लोग कर कह सकते हैं करना क्या है कि हमको एल आई डैश जो है इसको साफ कर देना है एल आई डैश में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है तो म्यू टू यहां पर वी हम लोग कहां दे रहे हैं यहां पर वी जो है ना हमारे लिए एल आई डैश होगा ये फाइनल वी है इसके लिए जो वी होगा एल आई डैश होगा होगा कैसे अगर हमारा ये सरफेस नहीं होता ये इमेज कहाँ बनाता यहाँ पर बनाता है तो इसको हम एल आई डैश में ठीक है अब हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये और ये उड़ जाए ठीक है तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दो चीजें कर सकते हैं या तो हम लोग ऐड कर दें या तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें ठीक है और दूसरा हम लोग जैसे म्यू टू माइनस म्यू वन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू को हम लोग म्यू टू माइनस म्यू वन के टर्म में ले आए ताकि हम लोग वो कैलकुलेशन में सिंप्लीफाइड रहे ठीक है और अगर हम लोग इस इक्वेशन वन मान रहे हैं और इसको हम लोग इक्वेशन टू मान रहे हैं तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा नहीं एडिंग वन एंड टू ठीक है एक चीज और हम लोग एक काम और करते हैं क्या यहां पर वैल्यू पुट करते हैं यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं उसके बाद ऐड करते हैं ठीक है वैल्यू जो पुट करेंगे तो हम लोग सेंड करने चलेंगे म्यू वन ओ एल ओ एल हमारा क्या है यू ओ एल हमारा यू है यू का डायरेक्शन क्या होगा यू हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डायरेक्शन है हमारे रेस का ठीक है ये हमारे लिए है तो ये रेस के डायरेक्शन में तो है नहीं अपोजिट टू द रेस ऑफ डायरेक्शन है तो यू हम लोग क्या लेंगे विथ माइनस साइन ठीक है तो नेगेटिव ले लें हम लोग इसको ठीक है प्लस म्यू टू ओके एल आई डैश इज वी अगर हम लोगों ने लिया है यहां पर अगर हम लोगों ने एल आई डैश को यू मान लिया है कुछ भी मान लिया यू ना मान के हम लोग एल आई डैश लिखते हैं फिलहाल तो ये हम लोग का कट जाएगा हम लोग कैंसिलेशन करना है इज इक्वल टू आर वन हम लोगों ने प्लेस कर दिया है म्यू टू म्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन ये हम लोगों ने प्लेस कर रखा है पहले से जहां पर भी हम लोग म्यू टू डिवाइडेड बाई एल आई डैश ठीक है अगर हम लोग इसको कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं हमको यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस साइन पहले ले सकते हैं ठीक है ये आर वन हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा आर वन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है राइट के डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लेस जा रहा है उसी डायरेक्शन में आर टू है आर वन है तो आर वन दोनों ने पॉजिटिव लिया कोई दिक्कत नहीं अब इसमें आए म्यू एल आई कहां पर है ये हमारा एल आई है ठीक है इसको हम लोगों ने वी मान रखा है प्लस म्यू वन बाई वी ठीक है वी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा डायरेक्शन वाइज वी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि इसी डायरेक्शन में वी है अगर हम सेंटर ऑफ इससे मेजर कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में रेज जा रहा है उस डायरेक्शन में वी भी जा रहा है सो वी कैन कंसीडर इट एज पॉजिटिव ठीक है अब हमको ये बताइए म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू आर टू क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आर टू नेगेटिव होगा कंफर्म ना क्यों होगा नेगेटिव
ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं, ये हमारा इधर अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, इसलिए हम उसको नेगेटिव कह सकते हैं, है ना। इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के, माइनस बाहर निकाल के इसको ब्रैकेट में कर दें तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन हो सकता है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और इसको बाहर निकाल दें ये माइनस माइनस वो हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, ध्यान देना है जगह स्पेस कम है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 1/r1 - 1/r2।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं? चलिए, और यहां से हम मिटाएं, यहां से अगर हम मिटाएं तो कोई दिक्कत? दोनों रिजल्ट के पास पहुंच चुके हैं, हम इसको ऐसे ठीक। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं? 1 by v minus 1 by u को 1 by f लिख दें, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको अगर हम लोग mu2 minus mu1 लिख दें, कोई दिक्कत? और इस mu1 को भी नीचे ले आए, आपको कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, नहीं है? देन 1 by r1 minus r2, ठीक है, कोई परेशानी नहीं? क्लियर। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और mu2 by mu1 minus 1, कोई दिक्कत? 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r2, कोई दिक्कत? ठीक है, mu2 minus mu1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? mu2 1 लिखते हैं। अगर हम इसको यहां पर एक्सप्लेन कर दें कि अगर mu2 1 is equal to, we can write mu2 by mu1, लिखते हैं हम लोग, ओके। मतलब ये जो सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है या वैक्यूम है, तो हम उसी का सीधे म्यू भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? म्यू 21, इसको कभी-कभी म्यू 2 भी मिलेगा, कहीं-कहीं म्यू भी मिलेगा, इसका मतलब ही हो गया कि सेकंड बाय 1, ठीक है? क्लियर आकाश? यस सर, क्लियर ना? तो सो वी कैन राइट हियर 1 बाय f इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसके बदले? म्यू माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हमारा हो गया लेंस मेकर फार्मूला। मतलब जो भी चश्मा आप बनाते हो, जो भी ऑप्टिकल बनाते हो, वो आप किसके थ्रू बनाते हो? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है? वहां पर जो है ये वैल्यू रखी जाती है और ये बना दिया जाता है, ठीक है? अब हम लोग बात करें पावर, पावर ऑफ द लेंसेस, पावर लेंसेस का पावर क्या होता है। तो पावर की बात करें तो पावर जो होता है, पावर ऑफ द लेंसेस इज इक्वल टू p is equal to, we can write 1 by f, p is equal to 1 by f, that is the power, this is the reciprocal of the focal length, ठीक है? और power को हम लोग diopter में करते हैं, denote करते हैं, किसमें denote करते हैं? Diopter, unit of the power क्या है? Diopter, और 1 diopter is equal to, 1 diopter, इसको d से denote करते हैं, is equal to कितना होता है? 1 meter, या फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक है? ध्यान में रहेगा, आपको पावर निकालने के लिए बोला जाएगा, आप निकाल लोगे। मतलब अगर आपको f सेंटीमीटर में मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से 100 ऊपर ले जाना होगा, नीचे डिवाइड करना होगा। That only you need the power. Power will be, मतलब अगर सेंटीमीटर की बात करें तो क्या कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर by f, 100 सेंटीमीटर by f, ठीक है? पावर होता क्या है? किसी पावर ऑफ द लेंसेज होता है क्या? पावर ऑफ लेंसेज मतलब क्या कि हाँ, जो हम लोग पावर बनाते हैं ना ऑप्टिकल के बजाय, इतना पावर का चश्मा होना चाहिए या ये, तो बेसिकली वो करता है क्या? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बेसिकली ये बेंडिंग पावर ऑफ द लेंसेज होता है। क्या होता है? बेंडिंग पावर ऑफ द लेंसेज। पावर की बात होती है तो ये बात होती है बेंडिंग पावर ऑफ द लेंसेज। मतलब कि अगर रेज आ रहा है और ये आपका रेज आया, ठीक है? अगर ये रेज आया, ये अगर हमारा कोई रेज आएगा यहां पर बेंड करेगा, सपोज ये कोई फोकल लेंथ किसी ने बनाया, ठीक है? दूसरा कोई रेज आया यहां पर बेंड कर दिया, ठीक है? या फिर यही रेज, जो रेज आ रही है ये अगर पास कर रहा है किससे? लेंसेस से। तो लेंसेस जो है यहां पर ये फोकल लेंथ बना रहा है, मतलब फोकल लेंथ पे बेंड कर रहा है। तो ये जो एंगल होता है, ये जो बेंडिंग एंगल होती है, ये एंगल जो है वो बेंड कर रहा है। अगर ये फोकल लेंथ को यहां पर कर दिया, मतलब इतना बेंड कर गया, अगर ये इतना बेंड कर गया, तो कहने का मतलब जिसकी ये जो एंगल है ये ज्यादा होगी, मतलब इसका पावर ज्यादा है। मतलब पावर ज्यादा होने का मतलब क्या? फोकल लेंथ हमारा कम हो रहा है। और फार्मूला से भी कुछ समझ रहे हैं हम लोग ने देखा p = 1 f, मतलब जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कंपैरेटिवली कम होगा। क्लियर? ठीक है?
आई थिंक आप लोग समझ गए, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइदर वो डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर मतलब आ ही जाता है 3 मार्क्स में या फिर किसी न किसी फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा आपको निकालना। ठीक है, तो इसको देख लें क्या क्या, वन सेकेंड, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट लेंस ले लिया है। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा, कहाँ रखा, रियर मीडियम में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अपना कैलकुलेशन चालू किया। सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट हमारा रियर मीडियम से कहाँ गया, फर्स्ट सर्फेस में। फर्स्ट सर्फेस पे जाएगा तो हमारा क्या करेगा, फर्स्ट सर्फेस क्या आ रहा है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, म्यू टू डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, इट्स रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के बाद आ गया, फिर एक सर्फेस को मिल गया बिकॉज दिस इज द बायोकॉन्टेक्स्ट लेंस, तो ये सर्फेस मिला तो अब क्या करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल बनाना, नॉर्मल कैसे हमको कंसीडर करना है ये आपको लोगों को अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए। जो भी सर्फेस होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइन देते हैं, दैट लाइन इज द नॉर्मल। ठीक है, अगर इस सर्फेस के लिए ले रहे हैं और नॉर्मल अगर बनाना है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग लिए, इसके लिए भी आपको हम लोगों ने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर हमारे पास आ गया, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आया, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर ये इमेज बना रहा है। फिर हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि भाई अगर ये सर्फेस नहीं होता तो ये कहाँ पर जाता, आइडियस पे जाता। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, डेंसर टू रियर वाला फॉर्मूला लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या था, रियर टू डेंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेंसर टू रियर, ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्ट कर रखा था और ये फॉर्मूला जो है हम लोगों ने लिया। ठीक है, और इसके साथ हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग वैल्यू पर ध्यान, हम लोगों ने ये रखा कि हमारा जो ये पार्ट है, ये इमेज जो है मतलब यहाँ पर जो हमने आइडियाज बना रखा है, दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। नाउ वी हैव पुट इट एवरीथिंग एंड डिड द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सिंपल है ना। फिर हम लोगों ने पावर को समझा, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, डाउट है तो पूछ लीजिए, कौन सा है।